हेलो फ्रेंड्स। तो आज अगेन एक टॉपिक जो मैं पहले भी इसके ऊपर आप एक वीडियो बना चुका हूँ, दो वीडियोस हैं हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर। एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर है और एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर है। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये थोड़ा एडवांस लेवल के हैं और इसमें जो है आपने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं बताई और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी और फिर प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं कैसे होते। तो मैं आज बहुत बेसिक बात करूंगा इसमें आपसे अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को मेनली हम दो पार्ट्स में, इतना तो मैं बताऊंगा ही आपको अभी भी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब तो वो हुए जो प्राइमरी होते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरी भी कहते हैं इनको, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी तो सिर्फ तीन ही है, डू है और बी या इज आर। मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर जो दूसरा वीडियो है उसका मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, दोनों का ही दे रहा हूँ, ऊपर भी आ जाएगा आपको, यहाँ जो स्मॉल आई आता है या लिखा हुआ भी आएगा मॉडल ऑक्सिलरीज, वो मैं बता रहा हूँ आपको, और उसका नीचे वीडियो और उसका गूगल फॉर्म भी मिलेगा आपको क्विज ग्रुप में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, नीड नॉट है, मस्ट है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। नीड नॉट है, ये नीडेंट भी कहते हैं, ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं जो किसी मॉडलिटी को या किसी मोड को बताते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको पहले बताया कि है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ, आई मे डू मैं इसमें भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैन डू जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है करने की, मेरे अंदर पावर है करने की, मैं कर सकता हूँ। आई मे डू अभी मैं संभावना प्रकट कर रहा हूँ, मैं एक पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मे का यूज़ कर रहा हूँ। परमिशन के लिए भी मे का यूज़ होता है और ये होता है यूजुअली मे आई गो, आई मे डू इट, यू मे गो, इस तरीके के परमिशन लेने देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इट मे रेन। तो ये कैन और मे मेन होते हैं। इसके बाद जो कुड है और माइट है वो इन दोनों की सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में यूज होती है। आई कुड, मैं जा सकता था, ऐसे बोला जाएगा। आई माइट, माइट का प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ भी करते हैं हम कभी कभी, इसमें प्रेजेंट में भी यूज़ हो जाता है कई बार, वो किसी बेस पर, जब किसी फैक्ट के बेस पर होती है वो प्रोबेबिलिटी। जैसे कि ही यूजुअली स्टेज ऑन संडेज हियर, सो इट इज संडे टुडे, सो ही माइट बी हियर, ही माइट बी इन द होटल, समथिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद में शैल और शुड होते हैं। तो शैल तो आपको पता है फ्यूचर में यूज होता है, शैल और विल दोनों। विल यूजुअली हम जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें विल का फ्रीली यूज करते हैं सबके साथ, जेंडर नहीं, कोई कोई पर्सन नहीं, सबके साथ यूज करते हैं। लेकिन शेल का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है, इन द सेंस कि शेल जहाँ यूज हो जाए वहां पर कंपल्सरी का भाव लग जाता है। आई और वी के साथ तो शेल होता ही है, यूज होना ही भी चाहिए, लेकिन बाकी सबके साथ, खासतौर से थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज का मतलब है कि कंपल्सरी हो गया, अब आपको ये काम करना ही। इट शैल बी डन, इसका मतलब ये होगा ही, खासतौर से ये लॉ में, कानून की भाषा में यूज होता है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यूज किया गया है। द स्टेट मतलब कंट्री, द गवर्नमेंट, द स्टेट शैल डू ऑल द वेलफेयर वर्क ऑफ द सिटीजन्स, इस तरीके से यूज होता है। फिर शुड आता है, शुड जो है वो एक नॉर्मल, आपको कोई सलाह दे रहा होता है आपको ऐसा करना चाहिए तो वो शुड यूज होता है, यू शुड टेक योर मेडिसिन इन टाइम। लेकिन जब कंपल्सरी हो जाए किसी चीज उसी काम को करने के लिए, उस जिसमें अदरवाइज का भाव आ जाए, वरना ऐसा हो सकता है, तो फिर हम मस्ट का यूज करते हैं। तो इसी बात को दोबारा कहें, यू शुड टेक योर मेडिसिन इन टाइम, ये कोई सलाह दी आपको किसी ने, यू मस्ट टेक योर मेडिसिन इन टाइम, नहीं तो आपको दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये मतलब है कहने का। तो कंपल्शन का, यू मस्ट पे योर फीस इन टाइम, यहाँ पर मस्ट जो है यहाँ पर कंपल्शन का भाव दे रहा है, शुड नॉर्मल का भाव, दोनों का हिंदी में मीनिंग चाहिए ही होता है। और एक ऑट टू भी होता है जो मॉरल ड्यूटीज के लिए होता है या रिलीजियस ड्यूटीज के लिए होता है, यू ऑट टू वर्शिप गॉड, तो ये रिलीजियस है, कोई लॉ आपको पनिश नहीं करेगा अगर आप गॉड की वर्शिप ना करें, लेकिन हाँ ये मॉरल ड्यूटी है हमारी। तो ऑट टू भी इसी सेंस में चाहिए, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो ये ऑट टू यहाँ पर भी इसी चाहिए के रूप में यूज हो। तो तीनों मस्ट हो या शुड हो या ऑट टू हो, तीनों का चाहिए के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन सेंस थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, एक कंपल्शन है, एक नॉर्मल, एक रिलीजियस या मॉरल ड्यूटी। और नीड नीड नॉट, पिछले वाले वीडियो में नीडंट नहीं है उसमें, या नीड नॉट नहीं, यू नीड नॉट गो, सिंपल सी बात है कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है। नीडंट भी कहते हैं इसको जब शॉर्ट फॉर्म करके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, तो यू नीडंट गो। द ट्रेन लीव्स एट 5,
इट इज 6 o'clock, यू नीडेंट गो देयर. 5 बजे ट्रेन जाती है, 6 बज गए तो अब कोई जरूरत नहीं है जाने की. इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं. और कौन सा रह गया? कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड. वुड का जो यूज है, विल का तो मैंने बता दिया आपको. वुड का यूज यूजुअली प्रोबेबिलिटी के लिए और पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है विल की जगह पर. जब हम हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, देखिए एक राजा था, उसने सोचा कि मैं ये काम करूंगा. अब यहां पर अगर आप ये करूंगा में विल लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन, अगर आप कर रहे होंगे या आप सोच करके बोल रहे होंगे, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि उसने तो ये करूंगा और ये तो फ्यूचर की बात होगी. बट जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चीज को तो आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे. देर वॉज अ किंग एंड द किंग थॉट दैट ही वुड डू दिस थिंग, ही विल डू नहीं कर सकते. ऐसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहां भी विल को वुड में यूज किया जाता है, विल का यूज नहीं होता है. जब हम पास्ट में हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तब. तो ये कुछ बातें हैं. वुड का यूज कई बार प्रेजेंट में एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करता है, वुड यू प्लीज गिव मी दिस थिंग. इसमें कुड का भी यूज होता है इसी सेंस में. तो ये एक नॉर्मल से जो डे टू डे की हमारी भाषा होती है उसमें यूज होते हैं मॉडल वर्ब्स. हो वो वाला वीडियो इंग्लिश में था बेसिकली मॉडल वर्ब्स का जो मैंने आपको जिसका लिंक दिया. अब बात आती है दूसरे जो 3 हेल्पिंग वर्ब रह गए हैं. 3 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? बी है, बी की फॉर्म्स होती हैं. बी तो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है ही, इसकी 3 फॉर्म और होती हैं. इज आर है जो प्रेजेंट में यूज होती हैं, फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं. बी की सेकंड फॉर्म होती है इज आर एम, वॉज वर जो पास्ट में यूज होती है. और बीन जो थर्ड फॉर्म होती है इसकी, जो हैज और हैव और हैड के साथ यूज करते हैं यूजुअली, उसको मैं बताता हूँ. तो ये तो हुआ बीन. दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो है जो मेन होता है या प्राइमरी जिसे हम कहते हैं वो है डू. डू की फॉर्म्स होती हैं डू, डिड और डन. और फिर आता है हैव. हैव की होती है हैव, तो फर्स्ट फॉर्म है, हैड और हैड, हैड थर्ड है और हैड सेकंड है और थर्ड. सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस डिक्शनरी में आपको पीटी लिखा हुआ मिलेगा. आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि सेकंड फॉर्म तो दे नहीं रहा डिक्शनरी में, वहां पर लिखा रहता है पीटी, स्मॉल पी स्मॉल टी. पीटी मीन्स पास्ट टेंस. और पीपी थर्ड फॉर्म को लिखते हैं वो पीपी डिक्शनरी में. पीपी का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म. इसको इस तरीके से ग्रामर की भाषा में कहा तो कंफ्यूज मत होइए. डिक्शनरी जब आप देख रहे हो तो पीपी और पीटी जब लिखा हो तो समझ लीजिए पीटी है सेकंड फॉर्म और पीपी है थर्ड फॉर्म. तो केम गो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, वेंट पीटी यानी पास्ट टेंस, और गो वेंट गॉन, गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म यानी पीपी पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, अब आते हैं इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव, बीन और डू डिड या डन या डस. आई के साथ एम, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं आप उसे समझ जाएंगे. आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम ईटिंग, ये सारे के सारे. आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल. इसमें क्या हो रहा है? ये सेंटेंसेस मैंने लिख दिया आपके लिए सारे के सारे. इसमें क्या है? आई के साथ एम का यूज हो रहा है. फिर इज, शी इज, ही इज, इट इज, कोई भी सिंगल नेम है एक, मोहन इज. अब मोहन एंड राखी आर, अब एक से ज्यादा नेम्स अगर एक साथ आएंगे तब आपको आर का यूज करना होगा क्योंकि आर के साथ प्लूरल आता है. दे आर, we are, you are, he and she are, इन सब के साथ. are going, are playing, are doing, are walking, are reading, ये सब में sentences में आपको दे रहा हूँ. इस तरीके से आपको sorry use करना होगा. जहां पर are का use होगा वहां plural के साथ होगा. ऐसे ही were का use होता है past tense में और was का use होता है past tense में. are is की जगह was, am की जगह भी was, am तो सिर्फ am अकेला या I के साथ आता है. तो वॉज और वर्क, तो जहां एम और इज आया था वो इक्वलेंट पास्ट में उसका क्या है? वॉज है. और जहां पर आर हम रख सकते थे वहां पर वर्क रखते हैं पास्ट के लिए. बात वही है लेकिन वो प्रेजेंट में, वो पास्ट में. जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ. आई वॉज ए बॉय, मैं एक लड़का था. वो लड़का तो बाद में भी रहेगा. तो आई वॉज गोइंग, आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग अभी जा रहा हूँ. और आई वॉज गोइंग, आई वॉज टॉकिंग टू यू यस्टरडे ऑन फोन व्हेन माई फ्रेंड केम. ठीक है, अभी आई एम टॉकिंग टू यू व्हेन माय फादर इज वॉचिंग मी. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग टू यू व्हेन माय फादर इज वॉचिंग. फादर के साथ इज आया, आई के साथ एम.
इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। यूज करते रहिए, लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज सीखते किसने यूज करने के लिए, और यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं लैंग्वेज सीखने का। ठीक है, अब आता है वॉज वर हो गया, इज आर एम हो गया, बीन का यूज हैज और हैव और हैड के साथ होता है, इनमें से किसी एक के साथ होगा, तो इट हैड बीन। और जब हैड और बीन का यूज हो जाता है तो ये आई एन जी फॉर्म लगती है इसके बाद, और आई एन जी फॉर्म के साथ एक चीज और याद रखिए, कई लोगों ने पूछा है मुझसे ये सवाल, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, हिंदी में दोनों का मतलब एक ही निकलता है, तो फिर इंग्लिश में ये दो अलग अलग क्यों है बताइए, वीडियो को पॉज करिए और फिर सोचिए, आंसर तो मैं दे ही रहा हूं आपको, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए, नहीं तो पॉज करके सोचिए, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बात तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो पहली बात यह, जब हम ये सिंपली ये कह रहे हैं कि आई एम टॉकिंग टू यू, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस इतनी सी बात। लेकिन जब मैंने कहा आई हैव बीन टॉकिंग टू यू, तो अब यहां पर एक टाइम फ्रेम लाना पड़ेगा, नहीं तो आई एम वॉचिंग आई एम टॉकिंग टू यू तो है, फिर आई हैव और बीन विन की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने हैव और बीन का यूज कर दिया, इसका मतलब आपको एक टाइम फ्रेम देना है, वो भी यूजुअली क्या होता है, सिंस और फॉर के साथ आता है, और सिंस और फॉर किसके साथ आता है वो भी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। तो आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर एन आवर नाउ, फॉर 10 मिनट्स नाउ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 इयर्स नाउ, इसमें सब में फॉर का यूज हो रहा है, फॉर 1 वीक, फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, इन सब। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस मॉर्निंग, यहां पर सिंस का यूज होगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस यस्टरडे, यहां सिंस का यूज होगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस मंडे, यहां पर आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस 1980, मतलब हम रोज ही बात करते हैं फोन पे, मतलब कहने का ये, शी हैज बीन कॉलिंग मी एवरी डे सिंस शी वॉज इन कॉलेज। तो देखिए इस तरीके से हमारे साथ ये इज आर एम के साथ भी आई एन जी लग रहा है, और हैज हैव बीन के लगा किस भी आई एन जी लग रहा है, दोनों में फर्क ये है, उसमें टाइम फ्रेम आएगा, इसमें टाइम पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जरूर लगेगा, तभी वो वैलिड होगा। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस सेंटेंस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है, और दूसरा प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आपको कि दोनों है कंटिन्यूएशन, दोनों है आई एन जी के साथ, लेकिन एक सिंपल इज आर एम वॉज वर्ब के साथ है, और एक एज हैव हैड बीन के साथ है। बीन भी जरूर है, बिना बीन के सेंटेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकल, जैसे आप बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, कौन पूछ रहा है, लेकिन जब आपको लिखना है कहीं ग्रामर के अकॉर्डिंगली तो गलत हो जाएगा। तो ये हैड हैव बीन का हो गया, और मेरे ख्याल से सारी हो गए। हैव और हैज का यूज थोड़ा सा बता देता हूँ, जहां पर इज का यूज होता है वहीं हैज का यूज होता है, यानी जिन पर्सन के साथ में, आई हैव, यू हैव, दे हैव, She and I have, he and she have, दो के साथ हो रहा है, लेकिन otherwise she has, he has, गीतांजलि has, Alina has, Mintu has, इन सब के साथ has का यूज हो रहा है। और जब दो हो जाए, Mintu and Farha have got this, have a house of their own, इस सेंस में हम have का यूज कर रहे हैं, जब हम दो पोजेशन के लिए यूज होते हैं, जब किसी के पास आई हैव दिस पेन, आई हैव दिस वॉच, तो आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, इन सब में हैव यानी मेरे पास है, मैं रखता हूँ, इस सेंस में आता है। क्योंकि बेसिक वीडियो है आज का, तो मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, या उर्दू भी आपकी अगर भाषा है तो आपको उर्दू भी इससे समझ आएगी, उर्दू के थ्रू भी समझ सकते हैं, उर्दू हिंदी पंजाबी ये सब मिक्स होती है, हिंदुस्तानी भाषा में इसको बोलता हूँ, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, लेकिन यूज करते रहिए, हैव का यूज करके देखिए, 10-20 सेंटेंस बना के देखिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव, आई हैव गॉट दिस दीज पेन्स, आई हैव गॉट दिस मग, आई हैव गॉट, इसको पेन स्टैंड के रूप में यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं आई हैव गॉट दिस पेंसिल, आई हैव गॉट दिस बॉक्स, ऑल दीज थिंग्स, इस टाइप की चीजें, आई हैव गॉट दिस पेन, आई हैव दिस पेन, आई हैव गॉट दिस पेन, इस आई हैव अ चेयर जिसपे मैं बैठा हूँ अभी आपके सामने, आई हैव टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है, तो ऑल दीज थिंग्स, शी के साथ हैज होगा, ही के साथ हैज होगा, शी हैज अ गुड हाउस, ही हैज एन एक्सपेंसिव वॉच, तो इस तरीके से हैड, और हैड जब इसका पास्ट हो जाए, थी कभी हमारे पास, आई हैड अ लग्जरी कार, अब नहीं,
इसका मतलब ये, हैड के मतलब थी, आप शायद नहीं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये वर्ब को हेल्प करते हैं और दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा प्राइमरी होते हैं और मॉडल। अब सब का यूज करके देखिए, बार बार करके देखिए, क्योंकि लैंग्वेज में आपसे हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, लैंग्वेज यूज नहीं की तो लैंग्वेज किसी का, लैंग्वेज सीखते ही यूज करने के लिए। अब घड़ी मैंने खरीदी, इसको पहनता नहीं, मैंने रख दिया, तो मैंने क्यों खरीदी थी, रखने के लिए तो कोई चीज नहीं खरीदी। ऐसे ही हम सोच रहे लैंग्वेज सीख कर रख लेते हैं, जब जरूरत होगी तो बोलेंगे, अरे वो फिर काम में नहीं आएगी आपके। अब ये सोचेंगे जब जरूरत होगी तो इसको यूज कर लेंगे, फिर नहीं यूज होगी, घड़ी में रख दो साल फिर कहाँ यूज होगी, तो सेल वेल खराब हो जाएगा, तो जंग लग जाएगा, ये पेन में यूज ना करूं सूख जाएगी इसकी कुछ दिनों बाद। तो यूज करना, ऐसे लैंग्वेज इज टू बी यूज्ड। आप सोच रहे हैं लैंग्वेज सीख के जेब में रख लेते हैं, दो साल बाद कोई इंग्लिश मैन मिलेगा तो उससे बोलना शुरू कर देंगे अचानक, नो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप साइकिल चलाना छोड़ दीजिए, दो साल बाद साइकिल चलाने में बड़ी मुश्किल होगी, चला तो लेंगे, गिर भी सकते हैं। कार चलाना छोड़ दीजिए, ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। पतंग उड़ाना छोड़ दीजिए, पतंग कट जाएगी आपकी एकदम से, कोई भी काट जाएगी, आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो ये स्किल है, प्रैक्टिस बेस्ड है, लैंग्वेज का खूब यूज कीजिए। और अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इसका फिर तो सीखने के भी कोई फायदा नहीं है, सीखते रहिए, यूज करते रहिए डेली। अब मैं आपको नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपको एक क्विज मिलेगा, जो मैंने अभी जितनी बातें आपको बताई हैं, जितने सेंटेंस बताए उसका ही करेक्शन वगैरह आपको मैं दे रहा हूँ, तो आप करेक्शन करके देखिए, कुछ सेंटेंसेज आपको दिए जाएंगे, कुछ कहीं डेफिनेशन भी आ सकती है इसकी, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, वो तो उसमें आप देख लीजिए। और आप जैसे ही आप उसको फिल करेंगे, सारे आंसर्स दे देंगे, आंसर देते ही आपको सही आंसर भी मिलेंगे अपने, और अपना स्कोर भी पता लगेगा कि आपने कितने आंसर सही दिए। फॉर एग्जाम्पल 15 है तो 10 आपके ठीक है, तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, और 5 जो गलत है वो भी दिखेंगे, कौन से गलत किए और सही आंसर क्या था। आप जितनी बार चाहें इसको भरिए, जब तक आपका फुल स्कोर ना हो जाए भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आएंगे और मैं देख लूंगा, डोंट वरी। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा हेल्प है, एज ए स्टूडेंट आप खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से, आपको मैं हमेशा अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ, ऑलवेज बी हैप्पी। और वही हमेशा जो हम कहते हैं सभी लोग समझ गए होंगे ना, आप बंद मत कर देना, अभी सुन लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन होता है उसको दबाएं, तो आपको हमेशा फिर पूछने की जरूरत नहीं है मुझसे। कई बार वो मैसेज करते हैं, फोन भी करते हैं, वीडियो नहीं भेजा आपने, कोई एक आदत सी होगी लोगों को वीडियो देखने की, तो देखते रहिए, अच्छी बात है, सीखते रहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है सबके लिए, तो सीखिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए बस। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगे तो मुझे बताइए, और कुछ इसमें कमी लगे तो भी बताइए। आप लोगों की फरमाइश पर ही मैंने बनाया, तीसरी बार ये वीडियो बार बार आपने कहा कि इसमें ये ऐसा और होना चाहिए वैसा, और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है म्यूजिक की, तो मैं म्यूजिक को बहुत कम कर दे रहा हूँ, बहुत हल्का लाइट म्यूजिक कर दिया कई बार, पता है क्या मैं आपसे एक सही बात बताता हूँ, कई बार पीछे से कुछ शोर आ जाता है। अब मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूँ इसको, फिर मैं रिपीट नहीं करता, मैं कहीं लिखता नहीं अपनी स्क्रिप्ट, सामने आपसे देख के बात करता, तो जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो मैं म्यूजिक को पीछे से रख देता हूँ, जिससे कि वो छुप जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, रात में वीडियोस बनाता तो डॉग्स होते हैं बार बहुत ज़्यादा, वो कई बार बार्किंग करते हैं, तो वो वीडियो में रिकॉर्डिंग ना हो, इस वजह से आई डू ऑल दीज ट्रिक्स। बस सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।